हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। एक बार फिर से मैं मनोज खंडेलवाल हिंदी की विशेष कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद और आशा यही करता हूं कि आप अच्छे होंगे, भलीभांति होंगे और अच्छे प्रकार से पूरे मनोयोग से हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत अच्छा श्रृंगार रस और मैं यूँ कहूँ नीतिगत दोहे जो जिनकी एक अलग पहचान थी रहीम दास जी की, मैं अनिवार्य हिंदी का जो तीसरा पाठ है और नीति के दोहे जो रहीम दास जी के द्वारा लिखित गए थे, आज हम वो पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। रहीम दास जी के दोहे आज हम रहीम दास जी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पाठ। रहीम दास जी श्रृंगार रस, रहीम दास जी साहित्य प्रेमी, रहीम दास जी कृष्ण के भक्त, दानवीर, युद्धवीर, नीति विशारद और साहित्य प्रेमी और प्रतिभाशाली थे। कैसे, क्यों, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। कहते हैं इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में। नॉर्मल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो मैं प्रत्येक पाठ की आपको पीडीएफ, दो पार्ट की मैंने कल जैसे ही पूरा हुआ सूरदास के बारे में पीडीएफ आपको डाल दी थी, कवि परिचय और व्याख्या का थोड़ा बहुत समावेश मैंने उस पीडीएफ में आपको किया था और व्याख्या हमें विस्तृत रूप से एक एक दो दो समझानी भी हैं, उन पर पीछे बाद में चर्चा करते चलेंगे। आज हम रहीम दास जी की बात करते हैं। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान काना था। अब्दुर रहीम खान खाना था रहीम दास जी का पूरा नाम। अब्दुर रहीम खान खाना था। अब एक बात कहें, इनके पिता का नाम था बैरम खां। पिता कौन थे? बैरम खां। अब इस बैरम खां के प्रति, बैरम खां के बारे में एक रोचक कथा है कि बैरम खां जो थे अकबर के संरक्षक थे। अकबर के संरक्षक थे। अकबर के पिता हुमायूं का जब निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो अकबर छोटे थे, तब उसका दायित्व लालन पालन या संरक्षक का दायित्व किया था वो बैरम खां ने किया था। तो अकबर के संरक्षक बैरम खां थे और बैरम खां के पुत्र थे रहीम दास। रहीम दास कहते हैं बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। बचपन से कैसे थे? बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। साहित्य प्रेमी थे, बुद्धिमान थे। बचपन में अपने माता पिता से इन्हें कुछ गुण विरासत में मिले, कुछ गुण विरासत में मिले। और वो विरासत में मिलने वाले गुण कौन कौन से थे? विरासत में मिलने वाले गुण माता पिता से मिल गई थी विरासत में, और वो गुण कौन से थे? वीरता, दान, वीरता, वीरता, दान, वीरता, राजनीति और काव्य। राजनीति और काव्य आदि गुण इन्हें विरासत में मिल गए थे। कहते ना इनका जो व्यक्तित्व था, इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। रहीम दास जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। सामंजस्यवादी थे और उदार स्वभाव के थे। सामंजस्यवादी प्लस में उदार स्वभाव के थे। किसी को भी देखकर के तुरंत भावुक हो जाया करते थे और सामंजस्य करने में ये विश्वास करते थे। श्री कृष्ण के प्रति अथाह श्रद्धा थी। अथाह जिसकी कोई था नहीं, श्रद्धा थी किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण के प्रति इनकी अथाह श्रद्धा थी। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार, इनके काव्य में कुछ चीज किसकी मिलती? देखो, नीति, प्रेम, भक्ति,
और श्रृंगार आदि का अद्भुत संयोग मिलता है। नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार आदि का शानदार समावेश, सुंदर समावेश मिलता है। दोहा सोल्टा बरवे और सवैया, दोहा सोल्टा बरवे और सवैया जो छंद थे ना, इन छंदों में सबसे ज़्यादा जो छंद थे दोहा सोल्टा बरवे और सवैया, इनके तो ये महारथी थे और इनको लिखने में, इनको गाने में, इनको बोलने में इनको महारत हासिल थी। प्रमुख कृतियाँ भी इन्होंने लिखी थी जैसे दोहावली, बरवे नायिका, दोहावली, बरवे नायिका, पंचाध्यायी, मदनाष्टक, नगर शोभा, अपने अनुभवों को जिस सरल शैली में व्यक्त कर सकती थी व्यक्त किया था, वो बहुत अद्भुत था। मदनाष्टक भी था एक मदनाष्टक, और 1626 ईस्वी में इनका इंतकाल, इनका निधन, इनकी मृत्यु हो गई थी। इस पाठ में जो धोए रहीमदास जी ने दिए हैं, प्रस्तुत जो पाठ है उसमें जो दोहों का चयन किया गया था, वो दोहे हमें कुछ सीख देते हैं, उन दोहों से हमें कुछ सीख मिलती है, और वो सीख ही है परोपकारता की सीख मिलती है, सज्जनता की सीख मिलती है, पर दुख कातरता की सीख मिलती है, दूसरों को काटने वाली स्वाभिमान की सीख मिलती है, और लोक व्यवहार की सीख मिलती है। इसलिए रहीमदास जी के दोहों को नीति के दोहे कहा जाता है। प्रत्येक दोहे में रहीमदास जी ने नीति की शिक्षा दी है। तो आज हम उन दोहों की चर्चा करेंगे और एक एक दोहा अपन लिखते चलेंगे, बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों, पूरे मनोयोग के साथ उस दोहों को अपन को पढ़ना है। लोक अनुभाव की जैसे व्यंजना होती है, अनुप्रास अलंकारों का जैसे प्रयोग होता है, यमक का भी होता है, तो सारी चीज़ें आज हम दोहों में पढ़ेंगे। आप इन्हें एक बार थोड़ा सा देख लें। मैं मिटा रहा हूँ, एक एक दोहे अपन देखते चलेंगे साहब। हाँ भाई, पहला दोहा, रहीमन देख बड़ेन को लगो न दीजिए डार, जहां काव आवे सुई। तलवार, दूसरा भी एक साथ लिख लेते हैं, एक है साध है सब सदे, सब साधे सब जाए, एक है साध है सब सदे सब साधे सब जाए, एक है साध है सब सदे, सब साधे सब जाए, सब जाए रहीमन मूल सीच वो। रहीमन मूल सीच वो फूले फले अघाए। देखो साहब, दो दोहे रहीमदास जी की शुरुआत इन दो दोहों से करते हैं अपन। पहला दोहे में आया लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा, और एक शब्द जैसे तलवारी, इसका अर्थ होता है तलवार। तो देखो नीति के दोहे शीर्षक से लिया गया है। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहने चाहते हैं कि बड़ों के साथ ही
ये नहीं कि जो हम अच्छा व्यवहार उचित व्यवहार बड़ों के साथ ही करें, ना, बड़ों का हमें व्यवहार उचित करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं, कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन बड़ों के साथ ही छोटों के प्रति भी उचित व्यवहार हमें करना चाहिए। तो इस दोहे में बड़ों के साथ छोटों के प्रति उचित व्यवहार का भाव व्यक्त हुआ है। क्या कह रहे हैं कि बड़ों को देख करके छोटों का हमें त्याग करना नहीं चाहिए। कि रविंदा जी कहते हैं संसार के लोगों कि बड़ों को देखकर छोटों का त्याग मत करो, बड़ी वस्तुओं के मिल जाने पर छोटी वस्तुओं को आप अनइम्पॉर्टेंट मत मानो, अनुपयोगी मान करके मत फेंकिए, क्योंकि जहाँ काम या जो काम छोटी वस्तु से होता है या छोटी सी सुई काम में आती है, वह बड़ी चीज़ तलवार क्या कर सकती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर उपयोगी है, या मैं यूँ कहूँ छोटे बड़े का भेद ना रखकर सभी से समान रूप से अपनाना चाहिए, समय आने पर सभी उपयोगी होते हैं, यही शिक्षा दी गई है। देखें, हो रही मन देख बड़े निको, लगु न दीजिए डार, जहाँ काम अवे सुई कावा, कहा करे तलवार, रही मन कहा करे तलवार। देखो, रही मन देख बड़े निको, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देख करके लगो न दीजिए डार, छोटों को त्यागिए मत, बड़ों को देख करके छोटों का त्याग मत करो, बड़ी वस्तुओं के मिल जाने पर छोटी वस्तुओं को अनुपयोगी समझ करके फेंको मत। क्यों? जहाँ काम आवे सुई का, वहाँ सुई एक बहुत छोटी वस्तु होती है, वहाँ कहा करे तलवार, रही मन कहा करे तलवार। क्योंकि रहीमदास जी कहते हैं कि जहाँ पर या जिस काम में छोटी सी सुई काम में ली जाती है, उसमें बड़ी चीज़ तलवार क्या करेगी। अर्थात छोटी और बड़ी प्रत्येक वस्तु का अपना अलग अलग महत्व होता है, कोई किसी से कम नहीं होता, चाहे छोटा हो या बड़ा। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपने जब मैं पाठ पढ़ा रहा था, दोहा पढ़ा रहा था, तो एक दो बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर प्रत्येक दोहे में अलंकार भी बताया करो। वैसे तो इसमें काबिलिंग अलंकार भी है, जो लेकिन हमारे कोर्स में उनका कोई महत्व नहीं है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखें, एक सादे सब सादे, सादे में साधने से या साधना करने से, उसने कहते साधना मतलब सामंजस्य करना, उस तरह से मिलाने जोड़ने की भावना। एक सादे सब सादे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सिचवो, सिचवो में सिंचना पानी जो देते हैं, मूल में जड़, रही मन मूल ही सिचवो, फूले फले अगा, अगा अगा हो गया, सेटिस्फाई, तृप्त, संतुष्ट होना। तो देखें, रहीमदास जी ने इस नीति के दोहा जो दिया है, इसमें रहीमदास जी कहते एक ही आराध्य को साधो, क्योंकि एक ही आराध्य की साधना करने से उसी की भक्ति करने का परामर्श रहीमदास ने इसलिए दिया है, क्योंकि एक का भजन करने से, एक की साधना करने से सब साधना पूर्ण हो जाती है। देखिए क्या कहा है कि एक साधे सब सदे, एक को साधने से सब सद जाते हैं, अर्थात एक देव की भक्ति करने से सभी कार्य स्वयं हो जाते हैं, फिर किसी अन्य की साधना करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन सब साधे सब जाए, लेकिन सबको एक साथ साधने से लाभ मिलने के बजाय हो सकता है आपने जो किया, आपने जो कार्य किया था, वो किया करा कार्य भी समाप्त हो जाए। जैसे रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि रही मन मूलई सिचवो, रहीमदास जी ये कह रहे हैं जैसे एक वृक्ष को सींचने से, वृक्ष की जड़ को सींचने से, पेड़ की जड़ को सींचने से सारा वृक्ष फलने फूलने लगता है,
उसमें जो भी है फूले फले अगाए, चाहे वो पत्ता है चाहे वो तना है, सारा वृक्ष फूलने फैलने लग जाता है, सींचने वाले की लालसा पूरी हो जाती है। भाव यह है कि एक देव की भक्ति हमें करनी चाहिए, एक चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए, अनेक चीज़ों को एक साथ हमें टारगेट लेकर के चलना नहीं चाहिए। दृष्टांत अलंकार का और यमक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, अनुप्रास्थ है यह। हाँ भाई, कि एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, जैसे उदाहरण भी दिया दृष्टांत के माध्यम से कि रही मन मूल सींच वो फूले फले अगाए। और एक तीसरा उदाहरण, तीसरा दोहा तो इतना आकर्षक है और कहते हो सामाजिकता से ओतप्रोत सीख का इतना निपुण दोहा दिया है रविंदास जी ने। देखे साहब उदाहरण देखिए, कदली केला, कदली कहाँ है केला, कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुनो तीन। बड़ा अच्छा दुआ देखते चलना कि कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुनो तीन, जैसी संगति बैठिए जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन, रही मन तैसोई फल दीन। कदली का अर्थ होता है केला, शीप का जो सीपी होती है जैसे शंख टाइप की जो आकृति होती है, कदली का अर्थ होता है केला, शीप का अर्थ होता है सीपी जो शंख जैसी आकृति होती है, और भुजंग का अर्थ होता है सर। अब अर्थ देखिए ना आप इसका, एक स्वाति नक्षत्र होता है, क्या होता है स्वाति नक्षत्र के समय जब आकाश में से कोई बारिश में बारिश की जो एक बूंद जो टपकती है ना, और उस समय स्वाति नक्षत्र का समय हो तो स्वाति नक्षत्र के समय बरसा हुआ जल, जल की जो बूंद है ना स्वाति नक्षत्र के समय जो जल बरस रहा है एक बूंद है, अगर वो केला पर पड़ती है स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, बूंद तो एक ही है लेकिन वो उसके गुण तीन हो जाते हैं। कैसे होते हैं, केला पर अगर वो पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है केला पर, तब तो बन जाती है वो कपूर, क्या बन जाती है कपूर, और सीप के मुख पर पड़ती है तो वो बन जाती है क्या मोती, क्या बन जाती है मोती, और सर्प के मुख पर पड़ती है तो वो क्या बन जाता है भाई साहब, वो विष बन जाता है। ध्यान रहना इस बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि वस्तु एक ही है, आदमी एक ही है, लेकिन एक ही व्यक्ति अगर अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग संगति के पास, अलग अलग कैटेगरी के पास, अलग अलग व्यवहार के लोगों के पास बैठता है तो वो खुद भी एक ही व्यक्ति होने के बावजूद भी जैसे लोगों के साथ बैठता है वो अपने आप को उसी में बदल देता है। देखो कि कदली सीप भुजंग मुख स्वातिक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं, रहीम दास जी कह रहे हैं अनुप्रास अलंकार के माध्यम से कि जैसी हम संगति बैठते हैं, जैसी संगति हम बैठेंगे, जिस तरह की संगति हम करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, अर्थात अच्छे की संगति अच्छा और दुष्ट की संगति से व्यक्ति दुष्ट ही बनेगा। जैसे स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अगर केला पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है, सीप पर पड़ती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख पर पड़ती है तो क्या बन जाती है विष बन जाती है। उसी तरह हम जैसे के साथ बैठेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। चौथा दुआ देखते हैं, देखें चौथा दुआ, अपने प्रत्येक दोहे को ढंग से आरती इनका करते जाएं।
हाँ भाई, वही संगति वही व्यवहार के ऊपर आ रहा है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, कछु और रही मन भवरी के भई, रही मन भवरी के भई नदी सिरावत मोर। कितना स्वार्थी इंसान है आज का समाज में वो बताया गया है। देखो कैसे बता दिया गया, मैं आपको बताऊं। जब आदमी की शादी होती है ना, शादी जब होती है, जो वो दूल्हा जब बन जाता है, तो उसके मुख पर जो मुकुट होता है, उसमें जब दूल्हे के साथ जो फेंटा सा बंधा होता है, उसमें एक मोर होता है। एक सगे अगर वो थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाती है, उसे बार बार संभाल कर रखते हैं, लेकिन जैसे उसकी भंवर पड़ जाते हैं, शादी हो जाती है, तो उस मोर को काम निकलने पर उस मोर को नदी में बहा दिया जाता है। तो यहाँ कवि ने ये कहा है कि संसार जो है वो स्वार्थी है, तो इस दोहे में संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। काजमिस काम, काजमिस काम, काज पर पढ़ने पर कछु और काज सरे, सरेमिस पूरा हो गया, काम बन गया, बन जाने पर, निकल जाने पर, भवरी, भवरी का फेरे का अर्थ होता है, भवरी का अर्थ भवरिया, फेरे, विवाह के फेरे, सिरावत में बहा देते, समर्पित कर देते। देखो क्या कह रहे हैं कि काज परे कछु और है, हो काज सरे कछु और, रही मनि भबुरी के भई, नदी सिरावत मोर, रही मन नदी सिरावत मोर। देखो क्या कहा है रहीमदास जी, कहते ही आदमी की फितरत हो गई है मित्रों, कि जब हमारा काम पड़ता है, मैं आपको बार बार बता दिया था, कृपा राम खड़िया ने एक शोरटा दिया था, क्या कि मतलब री मनवार चुप के लावे चूरमो। जब आदमी का मतलब पड़ता है तो आदमी उसे चूरमा खिला देता है, बिन मतलब मनवार राव ना लावे राजिया। राव कहाँ तो चूरमा खिला रहा है, कहाँ राव भी नहीं खिला रहा, क्योंकि जब उसका मतलब था। तो स्वार्थी प्रवृत्ति को इस दोहे के माध्यम से कहा है कि काज पड़े, आदमी का जब काम पड़ता है, जब स्वार्थ होता है, तो कछु और है, तो लोग उसे बहुत मान सम्मान देते हैं, अलग प्रकार की चापलूसी करते हैं, और काम निकल जाने पर उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। काज सरे कछु और, काम पड़ रहा है जब कुछ और तरह का व्यवहार है, और काम जब बन जाता है, निकल जाता है, तो कुछ और तरह का व्यवहार देखने को मिलता है। इस तरह का स्वार्थी व्यवहार आजकल आम बात है, जैसे कि रही मन भवरी के भई, यमक अलंकार का इसमें उदाहरण दिया गया है कि रही मन भवरी के भई, नदी सिरावत मोर। जैसे विवाह के फेरे पड़ते समय दूल्हा जो मोर जो सिर पर धारण करता है, लेकिन विवाह हो जाने पर उसे तुच्छ मानकर नदी में फेंक देता है। यहाँ दूल्हे के सिर पर पहनाया गया सेरा, पगड़ी, मुकुट, तुरंगा, कलंगा या मोर का अर्थ यहाँ दिया गया है। कुछ भी एक सिरपेच भी इसे कहा गए तो एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है। देखिए यमक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। एक 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 उदाहरण और दिया गया दोस्तों कि जो रही में उत्तम प्रकृति, बहुत अच्छा दोहा, कि जो रही में उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विज व्यापत नहीं,
लपटे रेत भुजंग कि जो रही में ओ तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। प्रकृति का अर्थ आया है स्वभाव, कि चंदन विश्व्या पत नहीं लपटे रेत भुजंग रही मन लपटे रेत भुजंग। इस पाठ में दिया गया कि आदमी जन्मजात स्वभाव को नहीं त्याग सकता, दुष्टता दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं त्यागता और सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। इस उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि जो उत्तम प्रकृति उत्तम व्यवहार के लोग होते हैं उनका बुरी संगति कुछ भी नहीं कर सकती। कहते बहुत से आप देखते हैं सर, जैसा कि अगर सिगरेट पीने वालों के साथ बैठता है तो सिगरेट पीना सीख गया, दारू पीने वालों के साथ बैठता है दारू पीना सीख गया, क्योंकि दारू और सिगरेट तम्बाकू ये आदमी के बहुत तगड़े दुश्मन है। कहते ना कि जो पीता दारू की चिल्ली वाको जीवन कुत्ता बिल्ली बीड़ी पी कर खांस रहा है मौत के आगे नाच रहा है, ये कहावतें बना दी गई हैं। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के होते ना उनको कैसे भी बुरी संगति में आप बैठा दो उनके व्यवहार पर उनके चरित्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका चरित्र अच्छा होता है, दोषों से मुक्त होता है, विकारों से हीन होता है। जैसे चंदन का जो वृक्ष उदाहरण अलंकार, जैसे चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लटके हुए होते हैं लेकिन उन पर सांपों के जहर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि चंदन का स्वभाव सज्जनता का प्रतीक है। दोस्तों ये उदाहरण जो रहीमदास जी की जो नीति से संबंधित हैं, प्रत्येक दोहा अपने आप में बहुत अच्छी एक नीति की बात हमसे कहता है। हमें हमारे जनमानस में आम जीवन में इन दोहों की बातों को मानना चाहिए ताकि हमारा जीवन भी अच्छा बन सके। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, अच्छी भली भांति आप समझ रहे होंगे और बहुत अच्छी तरह से हमारी क्लासों को देख रहे होंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप मात्रा में इन सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मनन कर रहे होंगे, नोट भी बना रहे होंगे। आज के लिए इतना, अगली क्लास में अगले जो दोहे अच्छे ढंग से अच्छे प्रकार से आप लोगों को सुनाए जाएंगे, आप इंतज़ार करें अगली क्लास का। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।